लोगों में घटते हुए आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और मानसिक समस्याओं से बिना दवा हमेशा के लिए निजात पाने के लिए माइंड ब्लिंक ट्रेनिंग का आगाज अब गोरखपुर में भी हो गया है। इस केंद्र की संचालिका प्रतिमा शाही ने सिटी वन से बात करते हुए इसके बारे में बताया कि मानसिक बीमारियों में जो भी दवा है चलाई जाती है उनका आगे चलकर घातक परिणाम होता है, इसलिए इस तरह की संस्थाओं की भूमिका समाज में बढ़ जाती है। साथ ही उनकी संस्था लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराती है। एंगर और जब ये दोनों बढ़ते जाते हैं तो डिप्रेशन क्रिएट होता है। OCD, OBC, डिफ्लेक्सिया ऐसी बीमारियों का नाम जो भी मानसिक तनाव से आती है, वहाँ पे जब आप कहते हैं कि मेडिसिन के, जाहिर सी बात है जैसे ही आपके दिमागी तनाव की बात आती है हम साइकेट्रिस्ट ढूंढना शुरू करते हैं और साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बाद में वो एंजाइटी की दवा देते हैं या आपको सुलाने के लिए दवा देते हैं। बहुत बुरा लगेगा सुन के, दवाएँ क्या करती हैं शरीर पे? वो आपके तंत्रिका तंत्र को सुला ही देती हैं और इंसान एक सिर्फ जिंदा लाश की तरह परफॉर्म करना शुरू करता है। जो लोगों को लगता है बहुत शांत हो रहा है, बट जैसे ही असर ख़त्म होता है वैसे ही आप फिर दवाएं लेते हैं और आपकी प्रॉब्लम मल्टीपल वेज में बढ़ती चली जाती है। ज़रूरी है, जो कहते हैं ना पूरी बॉडी में आपके कचरा जमा हो रहा है, ब्रेन में भी जरा सी जगह है, इतने सारे थॉट्स हैं, रोज़ 60,000 विचार इधर के उधर के, नेगेटिव पॉजिटिव सारे, तो पॉजिटिव वाले ठीक है बट नेगेटिविटी जब बढ़ना शुरू होती है वहीं से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसमें ज़रूरी है आप बॉडी को डिटॉक्स करें, आप ब्रेन को डिटॉक्स करें, आपका ब्रीदिंग प्रोसेस, आपकी हीलिंग प्रोसेस, आपका मेडिटेशन प्रोसेस, तो ये जो है यही एक ऐसा तरीका है कि आप इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि ये पूरे प्रोसेस में टाइम लग सकता है, साल डेढ़ साल, और ये बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हैं। आप अगर जाएं आप YouTube पे भी देखें तो ये बड़े बड़े डॉक्टर्स को कहते हुए सुनेंगे कि OCD, OBC, डिफ्लेक्सिया ये किसी दवा से ट्रीटेबल नहीं।